श्रीनगर के गोरीपुरा इलाके में रोड की खस्ता हालत होने के कारण लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों ने सरकार से मांग करते हुए किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। सर, इंतजामिया से तो हमें बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अभी तक वो किसी उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे हैं। जहाँ तक बात की जाए तो हम हर जगह जाते हैं। म्यूनसिपलिटी में हमने रिटर्न एप्लीकेशन दी है, इनसेनिटरी कंडीशंस की हमने तो रिटर्न एप्लीकेशन दी है। अब म्यूनसिपलिटी वाले बोल रहे हैं कि आप हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते हैं, तो हमने आर एंड बी बड़गाम बीरवा को मतलब अवेयर करने की कोशिश की, वहाँ पर गए, उनको बताया, लेकिन अब वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस गांव की मुसीबत ये है कि हम चारों तरफ से मतलब झगड़े हुए हैं। ऐसे है क्या है कि मतलब इंतजामिया बोलती है कि आप श्रीनगर म्यूनसिपलिटी के साथ, वो सही भी है, 2004 में हमें श्रीनगर म्यूनसिपलिटी के साथ इंक्लूड किया गया, लेकिन 2004 से कितने 16 ईयर्स हुए, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हुई नहीं। बेसिक नीड्स जो हमारी है, ड्रेनेज है, प्रॉपर रोड्स है, एक हेल्थ सेंटर की रिक्वायरमेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी बुनियादी चीज़ें, वो यहाँ पर ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है। अब जब बुनियादी चीज़ जो है बिजली है, वो भी प्रॉपर नहीं रहती है, अगर रहती भी है तो उसका जो तरसीली लाइनें हैं बिजली की, वो तो मतलब बिल्कुल दरख्तों पर है, कहीं 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 तो खंबे हैं, लेकिन कहीं पर तो बिल्कुल तरसीली लाइनें ऐसे हैं जिनसे इंसानी जान को हर टाइम खतरा है। अब हमारी डिमांड्स यही है कि हमारे रोड्स को मैग्डमाइज किया जाए, हमें प्रॉपर ड्रेनेज दिया जाए, हमें वो सहूलियात दी जाए जो हम डिज़र्व करते हैं एज ह्यूमन बींग्स।